पुरुषे तुम आराम करो, माँ ले आएंगी दवाई। आज तो ये बुढ़िया मेरे को कोई भी दवाई खिला के मार डालेगी। मैं ना बिल्कुल ठीक है, कोई बस थोड़ा सा पानी पिला दे। क्यों? अब तुझे बीपी की दवा नहीं चाहिए? नहीं, वो आप ना थोड़ी देर मेरे पास आके बैठ जाइए, मेरे को आराम मिल जाएगा। हाँ हाँ, अभी आती हूँ। आराम से बैठा। अब कैसा लग रहा है? वो मेरा ध्यान नहीं था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं नीचे थी ना, तो मुझे आवाज सुनाई दी तो मैं देखने आ गई। सब ठीक तो है ना? अरे ये उर्वशी को क्या हुआ? जो कुछ हुआ उसके लिए हम हैं यहाँ पे, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मेरी जरूरत नहीं है तो चली जाती हूँ मैं। अच्छा, अब तुम लोग भी जाओ। मैं हूँ ना उर्वशी के साथ, मैं करूंगी उसकी देखभाल। अब क्या करने के लिए रुकी है बुढ़िया? ताई, आप इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं। सिद्धि, उर्वशी के खिलाफ कोई सबूत मिला? नहीं मिला। उर्वशी के खिलाफ तो मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन विनायक की बेवकूफी देखने को जरूर मिल गई। अब क्या हुआ ताई? अरे मेरे सामने उर्वशी विनायक पर डोरे डाल रही थी और मैं चुपचाप तमाशा देख रही थी, कुछ नहीं कर सकी। और विनायक, उसे तो सही गलत की पहचान ही नहीं है। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि उर्वशी मदद के बहाने उसे चिपक रही है। ताई, मैं आपका गुस्सा समझ सकती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि उर्वशी बहुत चालाक है, लेकिन अब इसका इलाज हो के रहेगा। लेकिन ताई, आपने ये सब कैसे देखा? क्या आप उस वक्त कमरे में ही थी? हाँ, वहीं थी मैं। लेकिन सिद्धि, वहाँ तो तुम्हें कोई भी देख सकता था ना, और ऐसा रिस्क लेने की क्या जरूरत थी तुम्हें? क्या तुम दोनों ने देखा था मुझे वहां पर? नहीं ना, तो कोई और कैसे देखता? और रही बात रिस्क की, तो रोटी को निकालने के लिए चिमटे को अपना मुंह जलाना ही पड़ता है। कुछ भी करके मुझे उर्वशी के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालनी होगी, ताकि उसका झूठ मैं सबके सामने ला सकूं। मैंने उसका सारा कमरा तलाशा, लेकिन मुझे कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जिसे मैं सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकूं। मेरे ख्याल से उर्वशी जैसी चालाक औरत अपने कमरे में अपने खिलाफ जाने वाली ऐसी कोई चीज नहीं रखेगी। लेकिन अगर कमरे में नहीं रखेगी तो कहाँ रखेगी? खैर, सबूत तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगी, लेकिन उससे पहले उस उर्वशी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। बहुत लिपट रही थी वो विनायक से, अगर उसे अभी नहीं रोका तो आगे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि दोबारा किसी पराए मर्द की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेगी। क्यों रे? ये क्या तमाशा लगा के रखा है? हाँ, जहाँ तेरी नौटंकी पे कोई ताली नहीं बजाने वाला, समझ लगा। बोला था ना कि मेरे को हाथ नहीं लगाने का। हाँ खा था ना, सुबह से कुछ नहीं खाया है। सुबह से उठती ही जो हाथ में आएगा पेट में घुसाती जा रही है और कह रही है मैंने कुछ खाया नहीं सुबह से। हाँ अरे मैं तो उस दिन को पछता रही हूँ जिस दिन मैं तुझे इस घर में लेके आई, लेकिन आज मैं तेरे तमाशे से पर्दा गिरा के रहूंगी। बहुत हुआ तेरा अत्याचार। हाँ सास है तो सास बन के बैठी रहे, वरना चप्पल सूंघाना तो मेरे को भी आता है। भूल गई या दिखाओ तेरे को अपना हुनर। हाँ चल निकल यहाँ से। एक बार विनजी को अपने कब्जे में कर लूं, सबसे पहले इस बुढ़िया को ठिकाने लगाएगी मैं। उसके बाद मैं विनजी का इस्तेमाल करके 3000 करोड़ की जायदाद की मालकिन बन जाएगी। रिश्ते का विश्वास ही टूट गया होना सिद्धि, तो मंगलसूत्र भी टूट जाए तो क्या फर्क पड़ता है। तुम चाहे मुझसे जितनी नफरत क्यों ना कर लो, ये मंगलसूत्र मैं खुद से कभी दूर नहीं होने दूंगी, क्योंकि गुरुजी ने कहा था जब तक ये मंगलसूत्र मेरे पास है तुम्हारा कोई भी अमंगल नहीं कर सकता। आज तुम पर सबसे बड़ा खतरा मंजरी मां नहीं बल्कि वो उर्वशी है, और ये मंगलसूत्र ही तुम्हें उससे बचाएगा। ओइगा, ये तो सारे मरे मराहरिन की साड़ी है। ना जाने मेरे सोने जैसे बदन पर कब तक ये घटिया रंग की साड़ियां पहन के मेरे को रोने धोने का नाटक करना पड़ेगा। ये पहन लेती है। हाँ, फटाफट से तैयार होकर नीचे हाल में बैठ जाती है। पापा जी कह रहे थे कि कोई बड़ा प्रोड्यूसर आने वाला है, क्या पता उसके पार की नजर मेरे पे पड़ जाए और मैं हीरोइन ही बन जाऊं। बिन हीरो और मैं उसकी हीरोइन। मेरे पति से चिपकने का देख तेरा कैसे तमाशा बनाती हूं मैं। कुंद्रा साहब, आपके बेटे रुद्र के बारे में सुना, बहुत ही बुरा लगा। ये मिस्टर सिंघानिया एलए के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। सोच समझ के अपनी जुबान खोलना, क्या पता तुमसे इंप्रेस हो के तुम्हें अपनी फिल्म में ले ले। समझे? हो सकता है क्या मतलब? डेफिनेटली मुझसे इंप्रेस होगा। हाय सर। हेलो सिंघानिया सर, ये मेरा छोटा भाई है राजबीर, ये भी एक्टर है। हाँ अभी अभी इन्होंने एक भोजपुरी फिल्म भी की है सोलो लीड में। आपकी बहू के बारे में सोचकर ही बहुत बुरा लगता है। शादी के फौरन बाद ही नमस्ते। नमस्ते सिंघानिया साहब, ये मेरी बहू है उर्वशी, रुद्र की पत्नी। बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन ऊपर वाले के आगे किसका जोर चलता है। क्या हुआ बेटा, Are you okay? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक है। आपकी छोटी बहू तो बड़ी एक्टिव है। हाँ, वो जरा ऐसी। उर्वशी, तू ऐसे क्या कर रही है? आएगा, मैं जानबूझ के थोड़ी कर रही है, वो तो बस अपने आप ही हो रहा है। तन बदन में ना खुजली हो रही है मेरे को। खुजली? उर्वशी, कंट्रोल योरसेल्फ, क्या कर रही है? मेरे पास बताइएगा, मेरे को ना कुछ हो रहा है और मेरी साड़ी में कुछ लगा है, आपको भी लग जाएगा, आप बस दूर रहिए। क्या क्या कह रही हो उर्वशी? क्या बहुत चिपक रही थी ना मेरे पति से, अब तो खुद उसे अपने आप से दूर करेगी। ना जाने कौन सी कीड़े ने मेरे को काट खाया है। सबके सब मेरे पीछे काहे को पड़े रहते हैं। कुछ खुजली ऐसी होती है जिस पर कोई पाउडर असर नहीं करता। ये सब कुछ तेरा कर्मकांड है, क्या डाला तूने मेरे कपड़ों में? अरे 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 कुछ नहीं, बस एक स्पेशल मकड़ी वाला पाउडर छिड़का है मैंने तुम्हारी इस साड़ी पर। अब ना थोड़े दिनों के लिए तुम सबसे दूर ही रहो, खासकर विनायक से, यानी मेरे पति से, वरना क्या पता कहीं तुम्हारी ये खुजली उसे ना लग जाए और फिर तुम्हें इलाज के लिए कहीं वो कोल्हापुर वापस ना भेज दे, जहां से तुम्हारा आना मुश्किल हो जाए। इन शॉर्ट, ज्यादा देर शानी बनने की कोशिश मत करना तुम, क्योंकि देर के लिए मैं ढाई हूं, समझी?